Hello and very good morning to all my students. As you all know that we are doing revisions of all the subjects that we have done in GK. And today's topic of revision is vehicles. और इसमें आज हम पेज नंबर 40, 41, 42 एंड 43. दिस आर द पेजेस वी आर गोइंग टू डू. So get ready with your pencil and eraser. So as I said, today we are continuing our revision of vehicles. This is topic number 36. Name of the topic is railway station. And this topic is on page number 40. Now what they are saying, put a tick mark. You have to do this टिक मार्क इन द बॉक्स जहां पे जो ऐसे बॉक्स दिए गए हैं उसमें ऑफ द थिंग्स दैट यू सी एट अ रेलवे स्टेशन. आप रेलवे स्टेशन पे जो थिंग्स देख सकते हो वहां पे आपको टिक मार्क करने हैं. ठीक है, सो यहां पे आपको हमें पिक्चर्स दिए गए हैं. वन बाय वन हम उसको देखेंगे एंड विल चेक कि वो रेलवे स्टेशन पे दिखते हैं कि नहीं. सबसे पहले है इस तरह के स्टॉल. तो रेलवे स्टेशन पे हम स्टॉल्स देखते हैं. यस, वहां पे टी स्टॉल्स होते हैं, आइसक्रीम स्टॉल्स होते हैं, फ्रूट्स और जूसेस के स्टॉल्स होते हैं. तो दिस काइंड ऑफ स्टॉल्स वी कैन सी एट द रेलवे स्टेशन, सो वी विल डू दिस टिक मार्क. कैन वी सी दिस काइंड ऑफ स्लाइड्स एट रेलवे स्टेशन? नो, ये तो हम गार्डन में देखते हैं, तो यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे. देन दिस इज अ रेलवे ट्रैक. ऑब्वियसली रेलवे ट्रैक के बिना तो ट्रेन कहां कैसे आ सकती है? तो वी कैन सी दिस, वी सी दिस रेलवे ट्रैक्स ऑन एट द रेलवे स्टेशन. देन ट्रेन, ट्रेन कहां पे आती है? रेलवे स्टेशन पे. तो ट्रेन भी हम देख सकते हैं. फिर ये है इंफॉर्मेशन बोर्ड या डिस्प्ले बोर्ड, जहां पे इस तरह से कौन सी ट्रेन आने वाली है, कितने टाइम पे आने वाली है और कौन से प्लेटफॉर्म पे या कितने टाइम में वो आ रही है, वो सब इंफॉर्मेशन हमें यहां पे देखने को मिलती है. सो दिस डिस्प्ले बोर्ड वी कैन सी एट द रेलवे स्टेशन, सो विल डू अ टिक मार्क. देन सी सॉ, कैन यू सी सी सॉ? नो, सो वी विल नॉट डू टिक मार्क. देन दिस इज अ टिकट काउंटर, जहां से हम टिकट्स लेते हैं, तो ये भी रेलवे स्टेशन पे दिखता है, सो विल अगेन डू अ टिक मार्क. फिर ये बस स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है, बस हमें रेलवे स्टेशन पे देखने को नहीं मिलती, तो यहां पे हम टिक मार्क नहीं करेंगे. एंड दिस लास्ट इज इंजन, इंजन भी हम रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, तो हम यहां पे टिक मार्क कर देंगे. ओके, इतना हो गया. अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं. This next thing that we are doing today is topic number 37, transport for all, and this topic is on page number 41. अभी यहां पे क्या कहा है? Circle, हम इस तरह से circle करना है. The vehicles that are used, जो use होते हैं public transport के लिए. Public transport is for all, जहां पे सब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो व्हीकल्स का यूज करते हैं वो, तो उस पे हमें सर्कल करना है. ठीक है, सो मोटरबाइक इज नॉट अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो वी आर नॉट गोइंग टू सर्कल दैट थिंग. एरोप्लेन, यस इट इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. यू हैव टू परचेज अ टिकट टू फ्लाई द एरोप्लेन एंड देन यू कैन ट्रैवल. Then this is a private car. Private car obviously public के लिए नहीं होती, तो यहां पर हम circle नहीं करेंगे. फिर auto rickshaw, yes auto rickshaw we use for public transport, तो यहां पर हम circle करेंगे. उसके बाद है train, तो train भी हम public transport के लिए use करते हैं, तो यहां पे भी हम सर्कल करेंगे. देन दिस इज अ टैक्सी,
देखो यहाँ पे टैक्सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर दिस थिंग एज अ प्राइवेट कार। और यहाँ पे टैक्सी लिखा हुआ है, ये मीटर है जो हमें कितना फेयर हमें पे करना है टैक्सी ड्राइवर को वो बताता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड बाइसिकल, बाइसिकल इज नॉट अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे सब टिकट लेके उस पर साइकिल पे नहीं चलते हैं, ठीक है ना? तो हम यहां पे सर्कल नहीं करेंगे। सो दिस इज हियर वी हैव डन विद आवर टॉपिक नंबर 37। नाउ अगेन वी विल टर्न द पेज। सो दिस इज टॉपिक नंबर 38, पैसेंजर्स और गुड्स। दिस टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 42 एंड दिस इज टॉपिक नंबर 39, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड दिस इज ऑन पेज नंबर 43। दिस टू पेजेस यू हैव टू डू एज होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क, ओके? जल्दी जल्दी फटाफट कर देना। हाँ, तो यहां पे हमारा जो व्हीकल्स का रिवीजन है वो खत्म होता है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हमारे और जो टॉपिक्स है जो हमें रिवाइज करने हैं उसके साथ मिलूंगी। टिल देन, बाय बाय।